हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ऑफ होम्योपैथी। और एक और सेशन में आपके सामने लेके हाजिर हूँ स्मॉल एक्यूट्स का। बेसिकली जो हम देख रहे हैं, जो एक्यूट आजकल के आते हैं, तो उसमें पेशेंट को ज़्यादा जिसे बोलते हैं उसको सब्र नहीं होते, क्योंकि उसको एलोपैथी सिस्टम की आदत होती है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी तरीके से कामयाब हो गए इस एक्यूट को आप जल्दी से उसका ठीक करने में, तो मान के चलिए कि आप हमेशा के लिए दिल जीत लेंगे उस पेशेंट का। सो यू शुड नो हाउ टू एंड एक्यूट, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी रिसेंट केस आया हमारे पास, इसमें फीवर था पेशेंट को, ओल्ड पेशेंट था और फीवर भी था उसको काफ़ी। तो जो इसमें जो मेन सिम्टम दैट ही सेट के, सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही, नींद नहीं आ रही, और दूसरा उसमें था कफ इन ओल्ड पीपल इन विंटर सीजन, खास तौर से विंटर सीजन ओल्ड पीपल के लिए कफ, और हर साल ये मुझे होता है। तो हर साल वाला हो तो आपको जनरल रूब्रिक लेना पड़ेगा, विंटर सीजन में हर साल होता है, और ओल्ड पीपल को हर साल विंटर सीजन में होता है। तो उसके साथ उसको ठंड काफ़ी लग रही थी, चिल ऑल्टरनेट विथ हीट, कभी सर्दी लगती कभी गर्मी, और जो थर्स्ट थी दैट वॉज लाइक आर्स, स्मॉल क्वान्टिटीज, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना, ये आर्स की काफ़ी अच्छी विशेषता है। लेकिन इस केस में जिस तरीके का कफ था कि खांसी बहुत ज़्यादा लेकिन निकलता अंदर से कुछ नहीं, और उसके बाद पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाना, इतना एग्जॉस्टिंग कफ, ओल्ड पीपल, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, मेडिसिन और आर्स जैसी थर्स्ट और फीवर के सिम्टम्स के साथ में मेडिसिन हमने यूज़ की एंटीमोनियम टार्ट, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओल्ड पीपल में कफ के लिए 4-5 मेडिसिन है, क्रियोजोट 6 मेडिसिन से बेसिकली ओल्ड पीपल में कफ के लिए विंटर सीजन में, तो एंटिम टार्ट इज वन ऑफ दैट। तो एंटिम टार्ट से केस हमने सॉल्व किए। सेकंड हम देखते हैं सियाटिका केस, और कोलोसिंथ में हम बहुत जोर से पढ़ते हैं सियाटिका का, बट रियलिटी में आपको सियाटिका कोलोसिंथ के केस इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जो हिप से पेन स्टार्ट होता था, और खास तौर से पेशेंट होता है वो कैसे, जिस साइड दर्द हो रहा है उसी साइड लेटने से उसको एमिलोरेशन है, तो लाइंग ऑन द हिप्स, पेन इन हिप्स, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, एमिलोरेशन, और लेग्स ड्रॉन अप, पैर को थोड़ा फ्लेक्स करके मोड़ करके रखने में ज़्यादा रिलीफ है बजाय स्ट्रेच करने के, झुकने में उसको दिक्कत है, स्टूपिंग से उसको दिक्कत है। जो इस केस का सियाटिका का मेन फोकस था वो हिप था, हिप से थोड़ा वो नी तक जरूर गया वो पेन, लेकिन जो मेन फोकस उसने का, ये एरिया सबसे ज़्यादा टारगेट एरिया इस समय मुझे बहुत ज़्यादा इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो हिप्स में पेन, स्टूपिंग से एग्रावेशन था, स्टैंडिंग से एग्रावेशन था, नीचे की तरफ जा रहा था वो नी तक वो पेन गया, वॉकिंग से एग्रावेशन था, रेडिएटिंग पेन था, और राइट हिप में खासतौर से। सो ये कुछ विशेषता है जो कोलोसिंथ की हमें मिली इस पेशेंट में। कोलोसिंथ से 200 पोटेंसी से रिपीटेडली हमने दिया, फ्रीक्वेंटली डायल्यूटेड डोज में, और बहुत जल्दी रिकवर हो गया। रिमेंबर एक्यूट में मैं कोशिश करता हूँ पेशेंट को आप डायल्यूटेड डोज दीजिए और रिपीटेड डोज दीजिए, ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं वो सब ठीक है, बट डायल्यूटेड का मैंने देखा थोड़ा इफेक्ट अच्छा हमें मिलता है, और रिपीट करने में आसानी होती है डायल्यूटेड डोज को बजाय क्रूड डोज के। नेक्स्ट ये केस था हर्पीज का, और क्रॉनिक केस था हमारे पास, पहले से चल रहा था। इसमें जो ग्रोइन एरिया यहाँ पे इरप्शंस थे उसको, और सिमेट्रिकल थे, जैसा इस तरफ था वैसा ही उस तरफ था, तो इस कुछ पिक्युलरिटीज हम हमेशा ध्यान रखें, इरप्शंस जब सिमेट्री में हो तो हमेशा कॉस्टिकम, नेट्रम्यूर, सीपिया, आर्निका, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जैसा एक साइड में बॉडी के इरप्शन है वैसा का वैसा दूसरे पार्ट पर उसी डायमीटर का उसी तरीके का इरप्शन है, तो ये सिम्टम को हमेशा ध्यान रखिए। और विंटर में आया वो केस हमारे पास, तो स्किन इरप्शंस, विंटर एग्रावेशन, ये सब ठीक है, मेडिसिन आ गया हमारे पास, नेट्रम, अर्सोल, पेट्रोलियम डाल के हमारा ग्रेफाइटिस जो आपके सामने रेगुलर होती, बट एक सिम्टम पिक्यूलियर उसने बोला कि खुजली इतनी तेज होती है कि मुझे उल्टी आने लगती, इतना जोर से मन में जी घबराने लगता है, उल्टी जैसा आने लगता है, इतना तेज खुजली मचती। तो ये जब सिम्टम आपको पेशेंट बोल दे, ऑलवेज रिमेम्बर इपिकॉक, जब नौशिया कनकमिटेंट हो आपके इचिंग के साथ में तो इपिकॉक। अब इधर हम देख रहे हैं कि सारी पिक्युलरिटी जो सिम्टम है वो सीपीए, नेट्रम्यूर, मर्सोल जा रहा है,
बट हमने अचानक से एक चेंज किया। ये क्यों चेंज किया कि जब आपको कोई अनयूजुअल अनकॉमन सिम्टम मिले तो हमेशा देखिए कि ये अचानक से ये कैसे हो गया भाई। और सिम्टम, ये सिम्टम आपको सब में मिल जाएंगे, बहुतों में मिल जाएंगे, बट आपको अचानक से कोई आके कह दे कि खुजली हो रही है और उसे उल्टी आ रही, तो दैट इज तो हमने ईपी काक दी इस पेशेंट को। वीकली 2 से 3 डोज दी हमने हर वीक में, और कुछ ही दिनों में ये ठीक हो गया केस। नेक्स्ट हमारे पास है माइग्रेन का केस था, ये राइट साइडेड हेडेक था उस पेशेंट को, और हर रोज एक खास समय पे कि बस ये अब टाइम हो गया, 12 बज गया और अब मेरे सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में पल्सेटिंग पेन था राइट टेम्पोरल रीजन में, और फॉर्मिकेशन जैसे चीटियां सी रेंगती हैं ऐसा बोला पेशेंट ने। नौशिया कंप्लेंट था, ठंडी हवा से रिलीफ था, और थोड़ा जैसे पेशेंट जब बात करता आपसे तो ऑब्जर्व करना सीखिए, जब वो बोलता था तो थोड़ा सा, मैं इमिटेट तो नहीं कर सकता आपको, बट ट्रेम्युलस वॉइस थी, जैसे कोई डर जाता ना जिस समय, तो पूरी वॉइस शब्द पूरा एक एक बोल नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा कि इसको भाई स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती, बट स्टैमरिंग नहीं था, वो एक वॉइस में एक ट्रेम्बल था, जो वेवलेंथ जितनी वॉइस की वो ट्रेम्बलिंग होके आ रही थी, तो ट्रेम्युलस वॉइस हम आपको बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो मेन मेडिसिन हमारे पास निकल के फास्फोरस इस केस में, और बहुत अच्छे से कुछ ही दिनों में उसका हेडेक ठीक हो गया। नेक्स्ट ये लास्ट केस है, ये बहुत अच्छा केस था। इसमें क्या हुआ कि मम्स हुआ बच्चे को, कन्फेड जिसको हिंदी में बोलते हैं मम्स। दो चीज मैंने देखी उसको, एक तो मोशन से एग्रेवेशन था, बच्चे का फीवर तो हमेशा होता ही मम्स में। दो चीज मैंने पिक्यूलियर देखी जो हमें, हालांकि केस पूरा ब्रायनिया की तरफ जा रहा था ये, बट कैसे रस्टॉक्स में कन्वर्ट हुआ मैं आपको बताऊं कि मोशन हिलाना नहीं चाहता था बच्चा गर्दन को, और खास तौर से एक जो चीज हमने देखी कि कवरिंग ऐसे करके बच्चा कंटिन्यूस बैठा था, उसने हिलाया भी नहीं, और उसने सुबह से दोपहर ही होगी जब तक क्लिनिक पे आया ऐसे ही बैठा बच्चा। तो जनरलिटीज वार्म मामिलेशन, ईयर कंप्लेंट्स वार्म थमिलेशन और ईयर वार्म एप्लीकेशन हुई, तो हमेशा कंटिन्यूस उसने ये चीज को असेस करना कि इसने गर्माहट के लिए रख रखा है, क्योंकि पेशेंट ने बोला कि तकिए से भी वो कवर कर रहा है उसको और चीज से भी, तो बेसिकली एयर का कांटेक्ट नहीं चाहता पेशेंट, गर्माहट की वजह से वो उसको कवर कर रहा है कंटिन्यू, क्योंकि इतनी देर के लिए कवर करना थोड़ा मुश्किल है पेशेंट का, खास तौर से पेशेंट जब बच्चा हो, और बच्चे में आपको एसेस करना बहुत मुश्किल पड़ेगा कि ये मोशन से एग्रेवेशन बोल रहा है कि वार्न से, बच्चे की बात पे, क्योंकि बच्चा जरूरी नहीं आप एक बात पे कायम रहे, थोड़ी देर बाद कुछ और वो ही बोल सकते हैं। सो ये थोड़ा सा टिपिकल केस था, आप इसको देखिए, इस केस को वीडियो देखिए, सुबह से मतलब हिला नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, एक मूवमेंट नहीं कर रहा, और ये कंटीन्यूअस ये बस ऐसे रख करके ऐसे, तो ऐसे ही है, मतलब करवट भी नहीं है, वो ढका हुआ भी ऐसे ही रखा है, कान इसी तरीके से एक तरफ तो तकिए से ढक रखा है और एक तरफ हाथ लगा रखा है। अच्छा ठीक है, I'll repeat it for you. सुबह से मतलब हिला नहीं रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हिला, एक मूवमेंट नहीं कर रहा, और ये ढक के रखा है, बस ऐसे रख करके ऐसे, तो ऐसे ही है, मतलब करवट भी नहीं बदल रहा, ढका हुआ भी ऐसे ही रखा है, कान एक तरफ तो तकिए से ढक रखा है और एक तरफ हाथ लगा रखा है। अच्छा ठीक है। सो ये केस हमने रस्टॉक से सॉल्व किया, और बहुत ही पिक्यूलियर था, हमें ऐसा रोज आपको देखने को नहीं मिलता। तो विद इन 2 डेज मम्स की स्वेलिंग कम हुई उसके, और जो पेन था वो बच्चे रात को जाके, मतलब रस्टॉक्स देने के 5-6 डोज के बाद में रात तक जाके बच्चे ने ऐसा हाथ हटा के आराम से सोना स्टार्ट कर दिया था। विद इन 2 डेज ये केस सॉल्व हुआ। तो ये सब केस क्या विद इन 1 डेज 2 डेज 3 डेज में सॉल्व हो जाते हैं, बट पेशेंट का दिल जीतने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू ऑल होमपैथ्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल पेशेंटली। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।